तो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरी के शहर पे फिर से अटैक कर दिया है टाइटन ने, और आज ये टाइटन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि पिछली बार हमने इसे बहुत बुरी तरह हराया था। लेकिन आज ये फ्रैंकलिन को जान से मारना चाहता है, पर एक सेकंड, फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वो पीछे कौन आ रहा है, लेकिन इसने तो उसे भी मार दिया। ऑलराइट, तो भाई आज मैंने अपना पूरा काम डन कर दिया है, सिर्फ एक काम रह गया, और जल्दी से उस वाले काम को भी निपटाते और निकलते अपने घर की तरफ। अभी फिलहाल तुम लोग मेरे शोरूम के अंदर देख सकते हो कि मैंने सारी की सारी कार्स को उनकी जगह पे डिलीवर कर दिया है, बट अभी एक काम रह गया है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एक बंदे ने ना एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन अभी तक मैंने उसकी वो जो ऊपर थार रखी है ना, उसको अभी तक डिलीवर नहीं किया है। और दिक्कत यह है कि अगर आज मैंने उसकी थार को डिलीवर नहीं किया, फिर भाई वो दोबारा मेरे यहाँ से कार कभी नहीं लेगा। भाई वो बहुत ही अच्छा कस्टमर है हमारा, क्योंकि यार जब भी उसके फ्रेंड्स वगैरह या फिर किसी को भी कार चाहिए होती है तो वो हमेशा मेरे शोरूम पे ही आता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसकी थार को टाइम से डिलीवर कर दूं। अब देखो टाइम से तो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अब मैं और लेट नहीं करना चाहता, बिकॉज यार वो मेरा काफी अच्छा कस्टमर है। तो भाई कस्टमर्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और भाई उसने बहुत ही प्यार से, मतलब उसका इतना मन था ना भाई ये थार खरीदने का, मैंने इसको अच्छे से मॉडिफाई किया। पहले तो भाई मैंने इसको नॉर्मल असेंबल किया, उसके बाद मॉडिफाई करके भाई क्या मस्त कलरिंग की है इसके ऊपर। और वैसे भी उस बंदे ने बोला था कि भाई उसे ग्रीन कलर की थार चाहिए, तो मैंने भाई बिल्कुल रेडी कर दिए, बस अभी इसे ले जाके उसके पास डिलीवर करना है। और भाई सिर्फ कार को डिलीवर करना मेरा एम नहीं है भाई, डिलीवर करने के बाद मैं उसका इंप्रेशन देखना चाहता हूँ, उसको कैसा लगता है कि भाई कैसा मैंने मॉडिफाई किया, उसको पसंद आती है फिर नहीं। क्योंकि यार देखो एक शोरूम वाले के लिए कार को सेल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसने जो काम किया ना भाई वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे शोरूम का जो भी काम है वो इस शहर के हर किसी को पसंद आए, इसीलिए भाई मैंने इस कार को बहुत ही दिल से मॉडिफाई बहुत अच्छे तरीके से किया है भाई। बट देखते हैं कि उस लड़के का इंप्रेशन कैसा होता है, वो इसे देख के कितना खुश होता है। फिलहाल उस लड़के ने मुझे अपने घर की लोकेशन सेंड कर दी है, बस मुझे इस वाली कार को उस वाली लोकेशन पे लेके जाना है एंड वहां पे छोड़ना है। बट यार जो लोकेशन उस बंदे ने सेंड की है वो हमारे शोरूम से थोड़ा बहुत दूर है, तो हो सकता है कि मुझे पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाए। बट अगर रात हो भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फिलहाल बस एक ही काम रह गया है, तो भाई इसे अच्छे से निपटा लेते हैं। ऑलराइट, तो यार मैं काफी देर से इस कार को चलाए जा रहा हूँ, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि मुझे पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाए, बट फिलहाल मैंने उस बंदे से बात कर लिया जिसको ये कार डिलीवर करनी है। उसने मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है, बिकॉज यार यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था कि भाई रास्ता कौन सा है, कहाँ पे जाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड इसीलिए मैंने उस बंदे से बात कर ली एंड उसने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है। चलो फिर जल्दी चलते भाई, मुझे लगता है कि आगे से मुझे लेफ्ट वाली गली के अंदर जाना है। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसी वाली गली के अंदर जाना है, और शायद से आगे जाके हमें राइट की तरफ मुड़ना है। एंड यार एक प्रॉब्लम हो गई, मैं सोच रहा था कि भाई उसे डिलीवर करने के बाद उसका इंप्रेशन चेक करूंगा, बट दिक्कत यह है ना भाई कि ये बंदा अपने ऑफिस के अंदर है और ये ऑफिस उसकी नहीं है, उसके बॉस की। और फिलहाल उसका बॉस बोल रहा है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करना है। तो इसीलिए यार उस बंदे ने कहा है कि मेरी कार को नीचे ही डिलीवर कर दो, फिलहाल तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो मुझे बाद में बता देगा कि उसे कार पसंद आई या फिर नहीं आई। बट यार बाद में बताने में उतना मजा नहीं आएगा, अगर मेरे सामने भाई तारीफ करता फिर तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं। और पेमेंट की तो कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज उस बंदे ने मुझे ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी एडवांस में, इसीलिए मैंने उसकी कार को डिलीवर भी कर दिया है। बट वेट यार, ये लेफ्ट साइड से कैसी आवाज है, मतलब इतनी क्रीपी सी। बट एक सेकंड, ये कौन आ रहा है यार? ओ शिट, ये तो टाइटन है यार, ये टाइटन कैसे आ गया हमारे शहर के अंदर? और वेट एक सेकंड, ये गायब कहां हो गया भाई? निकलो जल्दी से यहां से भाई, यहां टाइटन कैसे आ सकता है यार? ये चल क्या रहा है हमारे शहर के अंदर? टाइटन्स वगैरह कब से घूमने लगे? और यार मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टाइटन मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो टाइटन सामने से गायब हो गया। बट अभी घर जाने के लिए मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं है, इसलिए काम करता हूं भाई, इस बंदे से इसकी कार चोरी कर लेता हूं। और यार ये बंदा मुझे देखते ही अपनी कार को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा था, लेकिन कोई ना, मैंने इससे इसकी कार को छीन लिया। अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं अपने घर पे, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी कार को बाद में वापस कर दूंगा। बट यार इस बंदे की कार वगैरह छोड़े तो एक छोटी सी चीज है, फिलहाल उस टाइटन के बारे में सोचो भाई, हमारे शहर के अंदर आ चुका है एक टाइटन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अभी तो मुझे वो एक स्मॉल टाइप का टाइटन लग रहा था, लेकिन अगर जाइंट हो गया वो फिर क्या होगा? मुझे पता है कि वो शायद जाइंट भी होते हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि जब वो जाइंट होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उसके बाद उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यार अब क्या होगा इस शहर का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल यार मैं इस कार को लेके बातों बातों में आ चुका हूँ अपने घर पे, फिलहाल इसको मैं काम करता हूँ पीछे साइड पे पार्क करता हूँ, क्योंकि यार देखो अगर मैं फिलहाल इस कार को अपने घर के बिल्कुल फ्रंट साइड पे रखूंगा तो भाई देखो बगल में पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन भी है, तो पता चला भाई बाहर से पुलिस वाले आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि मेरे घर के अंदर भाई ये वाली कार पड़ी, और उनको पता है भाई अब तक उस बंदे ने केस तो कर ही दिया होगा, तो यार उस केस के चक्कर में मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए मैंने उस कार को अपने घर के बैक साइड पे पार्क किया ताकि भाई कोई पता न कर पाए यार, क्योंकि बैक साइड पे तो कोई जाएगा नहीं, मेरे घर के अंदर कोई नहीं आता, बैक साइड पे क्या ही जाएगा। वेल अभी ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल मैं अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए जा रहा हूँ सोने।
ऑल राइट, चलो यार फाइनली सुबह तो हो चुकी है, लेकिन यार आज रात भर मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई। बस रात भर उस टाइटन के बारे में ही सोच रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अब वो टाइटन हमारे शहर के अंदर और क्या उधम मचाने वाला है, बिकॉज मैंने सुना है भाई ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट होते हैं भाई, इधर उधर तोड़फोड़ करते हैं और इंसान को छोड़ते भी नहीं है ये। यार इसके बारे में तो सोच सोच के मुझे डर लग रहा है, बट कोई ना, फिलहाल अपनी थकान को दूर करने के लिए भाई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखो मेरी थकान तो एक्सरसाइज से ही दूर होती है, बिकॉज यार मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरी बॉडी देखो यार कितनी ज्यादा फिट है। वेल वो छोड़ो, मैंने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, फिलहाल नीचे चलते हैं। बाय द वे आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे एक्सरसाइज किया है, रोज तो मैं एक घंटे या फिर दो घंटे करता हूँ, बट आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे किया है, क्योंकि यार देखो सच बताऊं तो आज एक्सरसाइज करने का भी उतना मन नहीं कर रहा। वेल अभी ये सारी चीजें तो बहुत हो गई, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, उठ भी गया, अभी फिलहाल मैंने नाश्ता भी कर लिया थोड़ी देर पहले ही। अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने शोरूम पे वापस, क्योंकि यार अभी फिलहाल शोरूम में न्यू कार्स भी आने वाली थी और शोरूम के अंदर काफी सारा काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसीलिए भाई यहाँ घर पे रेस्ट वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी चलते हैं शोरूम पे। भाई सारा काम तो शोरूम पे ही, घर पे रह के क्या ही करूंगा, इसीलिए फिलहाल चलते हैं घर पे। और अगर मुझे रास्ते में वो बंदा दिख गया ना, फिर तो मैं उसको उसकी कार वापस भी कर दूंगा, बट फिलहाल मैं इसी कार को लेके जाने वाला हूँ अपने शोरूम पे। बट अगर रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया या फिर उस बंदे ने पकड़ लिया, फिर तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये कार मुझे रास्ते मिली थी और मैंने उठा ली, और मैं ये भी बोल दूंगा कि इसके बारे में और मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस मिली और मैंने उठा ली, भाई इतनी सी बात है। बट मुझे लगता नहीं है कि रास्ते में वो मिलेंगे। वेल वो छोड़ो, अभी मैं जल्दी चलता हूँ अपने शोरूम पे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है चिंटू, जो कि एक साइंटिस्ट है और मेरे शोरूम के सामने रहता है, हमेशा घूमता रहता है उधर। भाई वो टाइटन्स वगैरह के बारे में काफी ज्यादा बातचीत करता रहता है, लेकिन मुझे वो सब फालतू लगता है, इसलिए मैं उसकी बात पे उतना ध्यान नहीं देता। बट आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उस बंदे से इसके बारे में बात करूँ, बिकॉज यार देखो अभी वही है जो मुझे समझ सकता है, क्योंकि यार अभी मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर मेरे अलावा और किसी ने भी उस टाइटन को नहीं देखा है, और अगर मैं किसी को भी उस टाइटन के बारे में बताऊंगा ना, भाई किसी को विश्वास ही नहीं होगा मेरे ऊपर। फिलहाल अगर मुझे कोई भी अच्छे से समझ सकता है तो वो ये चिंटू है। चलो फिर जल्दी से चिंटू से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये टाइटन के बारे में क्या जानता है। अच्छी बात तो ये है कि चिंटू हमेशा यहाँ पे घूमता रहता है, तो मेरी आराम से बातचीत हो जाती है। अरे चिंटू कैसे हो, क्या हाल चाल है? अरे फ्रैंकलिन मेरा तो सब बढ़िया, और बताओ आज मुझे कैसे याद कर लिए? अरे भाई तुम तो मेरे दोस्त हो यार, तुमको तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ, बट फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है भाई, एक हेल्प चाहिए तुमसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ ठीक है, पूछो पूछो कैसी हेल्प चाहिए? अरे यार वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें टाइटन्स वगैरह के बारे में तो काफी कुछ पता है ना? हाँ सब पता है, आगे बताओ। हाँ तो यार कल रात को ना जब मैं अपनी कार को डिलीवर कर रहा था, तो भाई वहाँ पे मुझे एक टाइटन दिखा था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस टाइटन से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि वो टाइटन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना भाई, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अरे हाँ भाई मुझे पता है कि तू ही हेल्प करने वाला है, इसलिए सबसे पहले मैं तेरे पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ये सारी चीजें लानी होंगी। ओ अच्छा ओके ठीक है, मैं ये सारी चीजें करता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें टाइम से हो जाएंगी। ऑल राइट, तो यार फाइनली मेरी चिंटू से बात हो चुकी है, एंड फिलहाल चिंटू मेरी पूरी हेल्प करने वाला है इस टाइटन से पीछा छुड़ाने में। बट अभी मुझे चिंटू ने एक अच्छा सा प्लान एक्सप्लेन किया है, जिसकी हेल्प से हम उस टाइटन को इस शहर से आराम से भगा सकते हैं। बट यार उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हमें कुछ चीजें इकट्ठा करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जाके हम कुछ कर पाएंगे। फिलहाल तो मुझे चिंटू ने एक चीज को कलेक्ट करने के लिए बोला है, जो कि काफी वियर्ड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये काला जादू वगैरह करने वाला है क्या उस चीज का, बट अभी उसने बोला है तो मुझे करना ही पड़ेगा। बट एक सेकंड यार, ये कार वाला बीच में कैसे आ गया यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया फालतू में यार, इसके चक्कर में उस बंदे की कार भी डैमेज हो गई। भाई मैं सोचा था कि उस बंदे की कार उसको वापस कर दूंगा, लेकिन चलो कोई ना, अभी वो डैमेज हो चुकी है, तो फिलहाल यहाँ पे दूसरी कार को लेते हैं। भाई यार फ्रैंकलिन की बॉडी इतनी ज्यादा तगड़ी है ना कि कोई भी भाई इसका कुछ कर ही नहीं पाता, आराम से अपनी गाड़ी दे देता है, कहता है ले जाओ भाई, पीछा भी नहीं करता ना ही कोई कंप्लेन करता है। बट चलो कोई ना, फिलहाल हमने एक और कार ले ली है। तो मैं बता रहा था कि मुझे क्या कलेक्ट करना है, तो फिलहाल मुझे चाहिए एक काला कपड़ा। अब देखो इस काले कपड़े को कलेक्ट करने के लिए मुझे चिंटू ने कहा है, मुझे नहीं पता है कि वो इस काले कपड़े का क्या करेगा, लेकिन हाँ फिलहाल उसने कहा है कि अगर तुम काले कपड़े को लेके आओगे उसके बाद ही मैं टाइटन को भगा पाऊंगा। अब देखो ये काले कपड़े को लाने वाला क्या मेथड है, इससे क्या होने वाला है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो जो काला कपड़ा है ना वो हमें मिलेगा पुलिस स्टेशन के ऊपर, तो इसीलिए अगर मुझे वो काला कपड़ा चाहिए तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन पे। ऑल राइट, तो यार बातों ही बातों में फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और पुलिस वालों से बात करते हैं, भाई मुझे लगता नहीं है कि ऊपर जाने देंगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ ना भाई, बात करेंगे नहीं, सीधा ऊपर चलते हैं, देखता हूँ कि ये मुझे कुछ कहेंगे या फिर नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे कुछ कहने वाले हैं, बट चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर। भाई अरे वो लड़के किधर निकल रहे हो ऊपर? अरे सर वो मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था ऊपर, बस वही करके आता हूँ, ज्यादा कोई काम नहीं है। अरे चुपचाप से नीचे उतरो, ऊपर कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना? अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। देखो ऊपर तो मैं अब जा के रहूंगा, ये देखता हूँ क्या कर लेते हैं मेरा। मैं एक काम करता हूँ भाई, सबसे बेस्ट आइडिया है, स्टिकी बॉम्ब निकालते हैं और इन सबके ऊपर लगा देते हैं भाई धीरे धीरे, क्योंकि देखो अगर मैं इनके ऊपर डायरेक्ट फायर करूंगा ना भाई, तो देखो ये तो मुझे आएंगे ही मारने, उसके साथ ही बाकी जो पूरे शहर की पुलिस है ना वो सबके सब मेरे पीछे लग जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर लग जाएंगे भाई 3-4 स्टार, और 3-4 स्टार की पुलिस भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, तो इसीलिए इन सभी को साइलेंटली मारने के लिए मैं इन सबके ऊपर एक एक स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ, उसके बाद मैं ब्लास्ट करूंगा और फिर ये सारे के सारे मर जाएंगे। भाई यार इसे मना करने की जरूरत क्या थी भाई, मैं आराम से ऊपर जा रहा था, लेकिन बीच में नौटंकी करना ही है, तो लो भाई अब तो मैं सबके ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगाऊंगा और
सबको जान से मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई उस ऑफिसर ने फालतू की नौटंकी कर दी, मैं आराम से ऊपर जा रहा था बट बीच में उसको फालतू बोलना था तो लो भाई जाओ। वेल अभी मैं आ चुका हूँ इस पुलिस स्टेशन से बाहर, अभी जल्दी से इस बॉम्ब को एक्टिवेट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने सारे के सारे स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया और ये देखो भाई सभी के सभी पुलिस ऑफिसर मर चुके हैं। तो चलो यार अब ये सारे के सारे ऑफिसर मर चुके हैं, अब जल्दी चलते हैं ऊपर भाई, अब रास्ता पूरा क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से हम ऊपर जा सकते हैं और उस ब्लैक वाले क्लॉथ को कलेक्ट कर सकते हैं। यार अगर उस ऑफिसर ने नौटंकी नहीं की होती फिर तो मैं आराम से भाई वो ब्लैक वाला कपड़ा लेके भी आता और उनकी जान भी नहीं जाती, पर नहीं भाई उन्हें नौटंकी करना था तो लो भाई सबके सब खत्म हो चुके हैं। वेल ये देखो फाइनली हमें हमारा ब्लैक क्लॉथ मिल चुका है, बट फिलहाल इन सभी कपड़ों को उठाते हैं और लेके नीचे चलते हैं, बिकॉज देखो अगर यहाँ पे कोई और बंदा आ गया ना और अगर उसने इन सभी को यहाँ लेटे हुए देख लिया फिर तो भाई वो कोई कंप्लेन कर देगा कहीं जाके, तो इसीलिए बाहर निकलते हैं। बट वेट, मेरे फोन के अंदर चिंटू का नोटिफिकेशन आया, चलो फिर जल्दी से पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कलेक्ट इंजेक्शन फ्रॉम विलेज एरिया, यानी कि अभी मुझे एक इंजेक्शन को फाइंड करना है विलेज एरिया से। भाई काला कपड़ा फाइंड करवाया समझ में आ रहा, अब ये इंजेक्शन का क्या करेगा यार, कभी ये डॉक्टरों वाली चीज कलेक्ट करवाता है या फिर साइंटिस्ट वाली जोक, और कभी कभी भाई ये भूतों प्रेत वाली चीजें कलेक्ट करवाता है, मतलब ब्लैक कपड़े का क्या करेगा ये। बट छोड़ो कोई ना यार, फिलहाल यही हमारी हेल्प करने वाला है तो वो जो भी बोल रहा है मैं उन सारी चीजों को मानने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल चिटू ने बोला है कि हमें एक इंजेक्शन को फाइंड करना है और वो इंजेक्शन हमें मिलने वाला है विलेज एरिया पे, चलो फिर जल्दी चलते हैं विलेज एरिया पे उस इंजेक्शन को कलेक्ट करने के लिए। बाय द वे यार ये रास्ते में, मतलब वैसे मैं रास्ते में कहूँ भाई मैं तो किधर ही गाड़ी चला रहा हूँ यार, सच में फ्रैंकलिन आजकल रूल वगैरह काफी ज्यादा ब्रेक कर रहा है, मतलब घन ढंग से गाड़ी, भाई मैं अभी रूल ब्रेक की बात ही कर रहा था और ये देखो इसने गाड़ी ठोक दिला के। भाई सच बता रहा हूँ अगर इस तरीके से हम लोग इस शहर में कार चलाएंगे ना फिर तो भाई इस शहर के सभी लोग ना हमें कार चलाने ही नहीं देंगे, भाई हमारा लाइसेंस बंद करवा देंगे ये लोग। अभी मुझे अपनी ड्राइविंग स्किल को थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं हर किसी को लड़ाई जा रहा हूँ और आजकल मैं ये क्राइम कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे ये क्राइम रेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। वेल ये देखो भाई बातों मैं पहुंच चुका हूँ विलेज एरिया पे, फिलहाल इसके और अंदर चलते हैं बिकॉज अंदर चल के ही हमें मिलने वाला है वो इंजेक्शन। और यार वो इंजेक्शन यहाँ पे कौन से घर में मिलने वाला है यार, आई थिंक वो कोई दुकान थी यहाँ पे, कहाँ पे है भाई दुकान कहाँ है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है कि वो इंजेक्शन हमें एक दुकान के अंदर मिलने वाला है बट दुकान तो दिख नहीं रही। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पे फाइनली मुझे वो वाली दुकान तो मिल चुकी है और अभी मुझे इसी वाली दुकान के अंदर जाना है, चलो फिर जल्दी से इस वाली दुकान के अंदर चलते हैं। और ये क्या मैं ऊपर कैसे आ गया भाई, अंदर जाना है हमें, अंदर कैसे जाऊँ। ऑलराइट, तो फाइनली मैं इस वाली दुकान के अंदर आ चुका हूँ और ये देखो यार मुझे मिल चुका है वो वाला इंजेक्शन। भाई साहब इस वाले इंजेक्शन को कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर दी है बट ये देखो भाई फाइनली हमें ये इंजेक्शन मिल चुका है, चलो फिर जल्दी से इस वाले इंजेक्शन को कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बट एक सेकंड, ये चिंटू का एक और नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे लिखा है कलेक्ट रेड क्लॉथ टू मेगा रैम, यानी कि अभी हमें एक लाल कपड़े को भी फाइंड करना है और वो हमें मिलेगा मेगा रैम के ऊपर। भाई ये चिंटू करवाना क्या चाहता है, मतलब कभी काला कपड़ा कभी लाल कपड़ा, भाई करेगा क्या है लाल काले कपड़े का, बट कोई ना अभी कलेक्ट कर ही लेते हैं और क्या ही कर सकते हैं हम। तो यार देखो फिलहाल ना उस मेगा रैम के ऊपर जाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्लान है, क्योंकि यार देखो अगर हम बाइक से जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यार उस मेगा रैम के ऊपर जाने का जो रास्ता है वो काफी अजीबो गरीब है, इसीलिए भाई अभी हम बाइक वगैरह से नहीं जाने वाले हैं, अभी मैंने एक बहुत ही मस्त सा प्लान बनाया। बट यार ये मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड कार नहीं चला रहा हूँ, मतलब मुझे काफी स्लो चलाना पड़ेगा भाई, इतने फास्ट काम नहीं चलेगा। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है, रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो प्लान ये है कि हम अभी यहाँ एयरपोर्ट से एक प्लेन को लेंगे, बट यार ये मैंने क्या कर दिया, ये प्लेन तो कुछ अलग ही तरीके से उड़ गई। भाई साहब ये कार कितनी ज्यादा मस्त है, मतलब इस प्लेन को इसने हवा में उड़ा दिया। तो यार देखो प्लान ये है कि फिलहाल हम यहाँ से यानी कि एयरपोर्ट से इस वाली प्लेन को उठाएंगे और इस वाली प्लेन को लेके चलेंगे हम उस वाले मेगा रैम के ऊपर, और जैसे ही हम इस प्लेन को मेगा रैम के जस्ट ऊपर लेके चले जाएंगे उसके बाद हम इस प्लेन से भाई चलती प्लेन से एग्जिट कर देंगे। और भाई चलती प्लेन से मैं जैसे एग्जिट करूंगा उसके बाद मैं डायरेक्ट गिरने वाला हूँ उस वाले मेगा रैम के ऊपर, और जैसे मैं वहां पे गिरूंगा उसके बाद मैं वहां से उस वाले कपड़े को फाइंड कर लूंगा, मुझे लगता है कि मुझे वहां से लाल वाले कपड़े को लेना है। तो मैं जैसे ही मेगा रैम के ऊपर गिरूंगा मैं वहां से तुरंत भाई उस लाल वाले कपड़े को इकट्ठा कर लूंगा। अब देखो ये प्लान सुनने में तो काफी ईजी है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं, बट यार इसे करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्या भाई, इसे करना आसान है ही नहीं, बिकॉज देखो सबसे पहले तो मुझे प्लेन उतने अच्छे चलाने आती नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से चला पाऊँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो रैंप इतना पतला है, उसके ऊपर मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लैंड कराना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी प्लेन को काफी नीचे उड़ाऊं ताकि मैं डायरेक्ट भाई उस वाले रैंप के ऊपर लैंड कर सकूं। बाय द वे हम बस उस वाले रैंप के ऊपर पहुंचने वाले हैं और वो देखो भाई सामने अभी वो वाला रैंप दिख रहा है और हमें इसी रैंप के ऊपर एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो अभी हम बस पहुंच ही गए, मैं बस थोड़ी सी आगे जाके एग्जिट करने वाला हूं
ऑलराइट, तो अभी यहाँ से एग्जिट करते हैं भाई साहब, सीधा नीचे गिरना चाहिए फ्रैंकलिन, कोई भी नुकसान नहीं। भाई साहब ये देखो मैंने काफी परफेक्ट लैंडिंग कर दी यार। देखो स्टार्टिंग में चांस तो बहुत कम लग रहा था कि मैं यहाँ पे लैंड कर पाऊंगा फिर नहीं, लेकिन एंड में फाइनली मैंने यहाँ पे भाई फ्रैंकलिन को लैंड कर दिया। और ये देखो हमें यहाँ पे लाल कपड़ा भी मिल चुका है, अब इस लाल कपड़े को लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से नीचे। भाई जब मैंने इस प्लेन को उड़ाना स्टार्ट किया था ना, तो भाई उड़ाते वक्त मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी परफेक्ट लैंडिंग कर पाऊंगा, बट जैसे ही मैं इस रैम के पास आया ना, वेल चलो ये तो कंप्लीट हो चुका है, अभी फिलहाल अगला टास्क आ चुका है। तो अगला टास्क देखते हैं, अगला टास्क है कलेक्ट स्पीकर मैन कॉस्ट्यूम टू रेलवे स्टेशन, यानी कि अभी हमें रेलवे स्टेशन से स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को फाइंड करना है। बट यार मैं स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को क्यों फाइंड करूं? अच्छा तो भाई ऐसी बात है, यानी कि ये जो चिंटू है ना, ये मुझे स्पीकर मैन बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि चिंटू का प्लान कुछ ऐसा है कि वो मुझे स्पीकर मैन बना देगा, और जैसे ही मैं स्पीकर मैन बन जाऊंगा उसके बाद मैं उस टाइटन से फाइट करूंगा। अब देखो जहां तक मुझे लगता है कि चिंटू का प्लान कुछ ऐसा ही, बट देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अभी तक तो देखो चिंटू ने मुझे जो भी प्लान बनाया था, मैंने उस पूरे प्लान को अच्छे तरीके से भाई सारी चीजें अच्छे से की हैं, और अभी फिलहाल बस ये लास्ट काम रह गया है, और वो लास्ट काम ये है कि हमें स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को फाइंड करना है। तो फिलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड वहां पे भाई उस वाले स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को फाइंड करते हैं। और मैं अभी अपने बाइक को कुछ ज्यादा स्पीड में भगा रहा हूं, क्योंकि यार बहुत मन कर रहा है फुल स्पीड में बाइक को चलाने का, बिकॉज यार फुल स्पीड में बाइक को चलाने में जो मजा आया ना यार, वो बहुत ही अलग है। और ऊपर से बाइक देखो यार कितनी कमाल की है, ZX10R भाई, इतनी महंगी बाइक है ना, रास्ते में एक बंदा जा रहा था, मैंने उससे वाली बाइक छीन ली है, क्योंकि यार उस टाइम पे मुझे ये वाली बाइक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी, मतलब इतनी मस्त लग रही थी ना, इसीलिए मैंने उससे ये वाली बाइक ले ली। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इस बाइक को अपने पास ही रखूँ, और अगर वो बंदा मुझसे ये वाली बाइक मांगने आएगा ना, तो यार मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन कहूंगा भाई प्लीज यार ये बाइक मुझसे दोबारा मत ले यार, बहुत ही ज्यादा मस्त बाइक है। अभी फिलहाल ये बाइक वगैरह की बातें छोड़ो यार, ये देखो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, अभी ऊपर चलते हैं और जल्दी से स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट करते हैं। भाई मैंने अपनी बाइक को तो सीधा यहाँ स्टेशन के ऊपर चढ़ा दिया है, वेल वो छोड़ो, अभी फिलहाल इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के जल्दी से स्पीकर मैन के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली मैं स्टेशन के ऊपर आ चुका हूँ, एंड ये देखो भाई ये रहा स्पीकर मैन का कॉस्ट्यूम, चलो फिर जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे उतरते हैं। बट यहाँ से नीचे कैसे उतरूं? बट वेट यार ये क्या हो गया, बट वेट यार ये देखो यहाँ पे टाइटन खड़ा हुआ है और वो वहाँ पीछे से फ्रैंकलिन आ रहा है, और भाई फ्रैंकलिन तो फिलहाल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, और यहाँ पे टाइटन खड़ा है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट वेट यार यहाँ पे ये टाइटन ने क्या जादू कर दिया, फ्रैंकलिन तो बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया।